नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम 18 से लेकर 20 मई अर्थात 3 दिनों के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर पे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम कल का सवाल डिस्कस करेंगे। सवाल था कि निम्न में कौन ICC मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो ICC मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी है? GS लक्ष्मी। तो ये हैं GS लक्ष्मी, ये जो हैं ICC मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई महिला मैच रेफरी बनी है, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, इसे आप याद रखिएगा। ये था कल का सवाल जिसका आप सभी ने सही जवाब दिया था। और इसी तरह पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखा करिए। वीडियो के अंत में जो सवाल हम आपसे पूछते हैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर दिया करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। फेसबुक और टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और डेली करेंट अफेयर जो है अब हमारे वेबसाइट पर भी आप पढ़ सकते हैं। क्लास से जो नोट्स PDF और अन्य तरह के वीडियो सभी आपको हमारे वेबसाइट पर साथ ही इंस्टा मौजे पर मिल जाएंगे, आप यहाँ पर जाकर उसे बाय कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे आज की क्लास का। दोस्तों, अभी 2 दिन से मैं क्लास नहीं ले पाया था, कुछ पर्सनल काम में मैं व्यस्त हो गया था, तो ना चाहते हुए भी मुझे क्लास मिस करना पड़ता है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए क्योंकि हम अगले क्लास में जो भी बीते दिन के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर रहते हैं उन्हें हम डिस्कस करते ही करते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज की क्लास का। आज का पहला प्रश्न कि हाल में कौन समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश बना है। तो समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश ताइवान बना है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। कम से कम आपको देश का नाम याद रखना है, कौन सा देश? ताइवान। ठीक है, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, एशिया की बात कर रहा हूँ। अगर पूरे वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2001 में नीदरलैंड ने सबसे पहला इस तरह के कानून को मान्यता दे दिया था नीदरलैंड ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ताइवान की संसद ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले बिल को पास किया है। इसी के साथ ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश ताइवान बन गया है। इस मामले में ताइवान की शीर्ष अदालत ने कहा है कि एक ही लिंग के जोड़ों को शादी करने की अनुमति नहीं देना उनके संविधान का उल्लंघन है। ताइवान ने ये कहा है कि हमारे संविधान की उल्लंघन है अगर हम एक ही लिंग के जोड़ों को शादी करने की अनुमति नहीं देते। तो ताइवान में यह कानून 24 मई 2019 से प्रभावी होगा। बता दें कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश नीदरलैंड था। साल 2001 में नीदरलैंड द्वारा समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी गई थी। तो पूरे विश्व में पहले नंबर पर कौन था? नीदरलैंड। और एशिया की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले नंबर पर कौन है? ताइवान। इस दोनों देश में आप कन्फ्यूज नहीं होना है। ताइवान के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे मैप में। सबसे पहले आप मैप में ताइवान का लोकेशन देखिए। ये है ताइवान, जिसकी राजधानी है ताइपे और जिसकी करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। आगे बढ़ेंगे, आज का दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मुश्किल से 2 वर्ष ही हुए हैं। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रतिवर्ष 16 मई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। 16 मई 2018 को संपूर्ण विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया था। ठीक है, तो शुरुआत कब हुई थी, पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया था, ये पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, 16 मई 2018 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया था। भौतिक शास्त्री थियोडोर मेनन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन 16 मई 1960 में किया गया था। इसी के याद में ये जो दिवस है वो मनाया जाता है। 2017 में यूनेस्को के सामान्य सभा में 16 मई को इस दिवस के मनाने के रूप में मान्यता दी गई थी। यह दिवस जो है विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास और औषधि संचार और ऊर्जा के विविध क्षेत्रों में प्रकाश की भूमिका के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मतलब लाइट जो है कितना महत्वपूर्ण पार्ट है लाइफ का, इसलिए ये मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, यूनेस्को के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसका फुल फॉर्म हम बता देते हैं आपको। यूनेस्को का जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इसका हिंदी में नाम है
यूनेस्को जो है इसका लघु रूप है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। यूनेस्को के 193 सदस्य देश हैं, ठीक है, अभी वर्तमान में, और 7 सहयोगी सदस्य देश और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। यह साक्षरता बढ़ाने वाले कार्यक्रम को प्रायोजित करता है और वैश्विक धरोहर की इमारतों और पार्कों के संरक्षण में भी ये सहयोग करता है। भारतवर्ष 1946 आज़ाद, भारत जो है आज़ाद होने से एक वर्ष पहले ही जो है यूनेस्को का सदस्य देश बन गया था। आगे बढ़ते हैं, आज का तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने पहली बार ऐसी योजना को मंजूरी दी है जो कुछ प्रवासियों को स्थायी निवासी जो है वो देता है। तो स्थायी निवास कुछ प्रवासियों को देने वाला ऐसा योजना कहाँ पर लाया गया है? सऊदी अरब में पहली बार इस तरह की योजना लाया गया है, ठीक है। हाल ही में सऊदी अरब सरकार ने एक ऐसी योजना को मंजूरी दी है जो कुछ प्रवासियों को स्थायी निवास देता है। इस योजना से उन्हें राज्य में अचल संपत्ति प्राप्त करने और सऊदी प्रायोजक के बिना अपने परिवारों के साथ रहने की अनुमति मिल जाएगी। मतलब वहाँ पर चाहें तो वो प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। अचल संपत्ति मतलब वो ज़मीन और मकान वगैरह बना सकते हैं। सऊदी अरब ने पहली बार इस तरह का कोई कानून अपने देश में लाया है। इस योजना का जो नाम है वो है प्रिविलेज इकामा। तो योजना का नाम आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हैं। इस तरह प्रवासियों और पूंजीगत धन के मालिकों को प्रतिवर्ष नवीनीकृत भी किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, सऊदी अरब हम मैप में देख लेते हैं। तो ये रहा सऊदी अरब, जिसकी राजधानी है रियाद और इसकी जो करेंसी है, मुद्रा है, वो है सऊदी रियाल। आगे बढ़ेंगे, चौथा प्रश्न हम देखते हैं। चौथा प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 मई को हम मनाते हैं। तो प्रतिवर्ष 18 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाते हैं। संग्रहालयों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में समाज के विकास और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1983 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद विश्व के संग्रहालयों और संग्रहालय पेशेवरों का एकमात्र संगठन है जो वर्तमान और भविष्य, मूर्त और अमूर्त प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने तथा संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद का गठन कब हुआ था? 1946 में, और इसका मुख्यालय भी पेरिस में है, जो कि फ्रांस में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पांचवा प्रश्न कि हाल ही में कौन कैरेबियन प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों के ड्राफ्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने? जैसे इंडिया में आईपीएल होता है, वैसे इंडियन प्रीमियर लीग उसका फुल फॉर्म होता है, उसी तरह की एक लीग है ये कैरेबियन प्रीमियर लीग। तो इसमें शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन बन रहा है? इरफान पठान। तो हाल ही में इरफान पठान को कैरेबियन प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों के ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। वो इस लीग के खिलाड़ियों के ड्राफ्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। नीलामी के लिए तैयार 20 देशों के कुल 536 खिलाड़ियों के ड्राफ्ट में इरफान पठान को भी शामिल किया गया है। जैसे आईपीएल में जितने भी देशों के खिलाड़ियों की बोली होती है, उसी तरह यहाँ पर भी बोली लगाई जा रही है 20 देशों के 536 खिलाड़ियों के बीच, जिसमें इरफान पठान को शामिल किया गया है। इरफान पठान पिछले 2 सीजन से इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल नहीं खेल रहे हैं। कैरेबियन प्रीमियर लीग की नीलामी जो है 22 मई 2019 को लंदन में आयोजित की जाएगी। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कि हाल में भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे मातरम जो है भारत एक्सप्रेस, इसका फुल फॉर्म क्या है? वंदे मातरम भारत एक्सप्रेस। इन्होंने बिना कोई ट्रिप फेरी छोड़े अपनी कितने लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी की है आपको बताना है। तो इसने जो है अभी हाल ही में 1 लाख किलोमीटर की यात्रा अपनी पूरी कर ली है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में भारत की पहली इंजन लेस ट्रेन है ये वंदे भारत एक्सप्रेस। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ने 1 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। इस ट्रेन का निर्माण चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया था। ट्रेन 18 जो है भारत की पहली बिना इंजन की ट्रेन है, ठीक है, बिना इंजन की ट्रेन है ये भारत की पहली, और इसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इसने 30 वर्ष पुरानी शताब्दी एक्सप्रेस का स्थान लिया है। यह पूरी तरह से भारत में निर्मित है और 2019-20 तक इस प्रकार की अन्य 5 रेल का निर्माण किया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है।
आगे बढ़ते हैं, आज का सातवां प्रश्न हम देखते हैं। सातवां प्रश्न कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने MRSAM, इसका फुल फॉर्म मैं आपको आगे बताऊंगा, मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, यह किस तरह की मिसाइल ही आपको बताना है। तो ये जो है जमीन से हवा में मार सकने वाली मिसाइल है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो इसी तरह का फुल फॉर्म है, मतलब जमीन से हवा में मार सकने वाली, अर्थात मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये है MRSAM का फुल फॉर्म। हाल ही में भारतीय नौसेना ने MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया, यह मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार कर सकने वाली मिसाइल है। तो ये जो लाइन है वही इसका फुल फॉर्म है, यहाँ पर आपको फुल फॉर्म दिखेगा MRSAM का, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इसके नाम से स्पष्ट है ये किस तरह की मिसाइल है। पोत कोच्चि और चेन्नई द्वारा भारतीय नौसेना ने पश्चिमी समुद्र तट पर यह परीक्षण किया है। तो कहाँ पर परीक्षण किया ये आप याद रख सकते हैं, यह परीक्षण भारतीय नौसेना, DRDO और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इन तीनों के संयुक्त प्रयास से किया गया है। ये परीक्षण, यह मिसाइल सटीक वार करने में सक्षम है और लड़ाकू विमान को भी ये नष्ट कर सकता है। इसकी जो रेंज है 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर तक ये अपने टारगेट को भेद सकता है। इसका निर्माण जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसका रहा है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसका महत्वपूर्ण भूमिका इसके निर्माण में रहा है। आगे बढ़ते हैं, आज का आठवां प्रश्न हम देखते हैं। आठवां प्रश्न कि हाल में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए किसे संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार जो है प्रमोद कुमार मिश्रा इनको दिया गया। अब ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है, किस तरह का ये पुरस्कार है, चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आपदा न्यूनीकरण कार्यालय ने प्रमोद कुमार मिश्रा को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सासाकावा अवार्ड 2019 प्रदान किया है। प्रमोद कुमार मिश्रा वर्तमान में, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव हैं। मिश्रा को आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए यह सम्मान दिया गया। सासाकावा अवार्ड जो है आपदा जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाला जो है प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन कार्यालय तथा निपोर्ट फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब आज का नौवां प्रश्न हम देखते हैं। नौवां प्रश्न कि हाल ही में 11वीं भारत ईरान संयुक्त कॉन्सुलर समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो ये जो बैठक है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई। हाल ही में 11वीं भारत ईरान संयुक्त कॉन्सुलर समिति की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में कॉन्सुलर और वीजा संबंधित मुद्दों और भारत और ईरान के बीच मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। इस बैठक में भारत की ओर से अमित नारंग संयुक्त सचिव ने हिस्सा लिया। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ईरान के विदेश मंत्रालय के कॉन्सुलर मामलों के महानिदेशक HE3 अली असगर मोहम्मदी ने की। तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी प्रश्न हम देखते हैं। दसवां प्रश्न की हाल में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस गश्ती जहाज को सेवा मुक्त किया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन वो है जो है जनरली पूछ लिए जाते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन है भारतीय तटरक्षक जहाज विग्रह। इनका नाम क्या है, जहाज का नाम क्या है, विग्रह। हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज विग्रह को आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में से सेवा मुक्त किया गया है। यह एक प्रमुख ऑफशोर गश्ती जहाज है। इसे भारतीय तटरक्षक बल में 12 अप्रैल 1990 को शामिल किया गया था। इसने 1990 से 2029 तक, मतलब 19 वर्ष तक की जो है भारत सेवा की, और भारत के पूर्वी तट की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाया है। इस जहाज का निर्माण मुंबई के मजगांव डॉक लिमिटेड द्वारा किया गया था। इसे मुंबई, पोरबंदर तथा विशाखापट्टनम जैसे स्थानों पर तैनात किया गया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण समाचार भी हम देखेंगे। हाल ही में भारत और बोत्सवाना के बीच विदेश मंत्रालयों के वार्ता का तीसरा दौर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया गया। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने मिनिस्ट्री नर्सिंग स्टाफ को एक्स सर्विसमैन दर्जा देने हेतु एक मंजूरी को जो है एक समझौता को मंजूरी दे दी है। हाल ही में अभिनेता अनिल कपूर को बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य करने के लिए काउंसिल ऑफ यूरोपियन चैम्बर्स ऑफ कमेरे द्वारा सम्मानित किया गया। हाल ही में प्रसिद्ध वन्य जीव फोटोग्राफर ललितिका नाथ ने
नई दिल्ली में पुस्तक हिडन इंडिया का अनावरण किया। हाल ही में चीन ने ऑनलाइन विश्व ज्ञान कोष विकिपीडिया के सभी संस्करणों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख आतंकवाद रोधी बल के कमांडो ने अपने पहले ही प्रयास में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने का इतिहास रचा है। तो इन सारी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब आज का सवाल जिसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है आप सभी को, वो ये है कि हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो ये सारे आपके ऑप्शन है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपने जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।